तक भी जा सकते हैं। और मुझे खुशी है हमारे तमाम यूथ के जो लड़के हैं वो पूरी तरह से उनका उनकी हिम्मत हौसला अफजाई ने मेरी भी की। और मुझे खुशी है कि जो पीडीपी का जो एजेंडा है, पीडीपी का जो ये हमेशा रहा है कि जम्मू कश्मीर झगड़े का बास नहीं बल्कि अमन का पुल बनना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दूसरी तरफ हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के साथ जहाँ अभी चीन ने एलएसी के ऊपर काफ़ी उन्होंने उस पर कर रहे हैं, वहाँ से अंदर आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो मुफ्ती साहब का असली ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और हमसाया मुल्कों के बीच में जम्मू कश्मीर को एक पुल बनाना होगा। मुझे लगता है आखिरकार मरकजी सरकार को वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। महबूबा जी, इनफरादी तौर आपकी बात करेंगे, इज्तिमाई तौर जो गुपकार डिक्लेरेशन मतलब हाल ही में हुआ है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो लैंड लॉज अभी हुए हैं जिसमें मतलब काफी ऐसे डिसीजंस हैं जो हर एक फर्दन कश्मीरी के दामन में। देखिए, जहाँ तक पीपल्स अलायंस की बात है, उन्होंने ऑलरेडी एक प्रेस नोट इशू किया आज, और मैं उसकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, उसके स्पोक्स पर्सन सजाद साहब हैं, उसके बारे में आप उन्हीं से कमेंट ले सकते हैं। आज हमारा प्रेस रिलीज आ गया है। आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने कहा उसमें तो जो बात करते हैं हम इकट्ठे करते हैं। कल गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन दे दी, वो ये कह रहे थे, रोहित कंसल ने कल कहा कि वो ऑब्सोलीट हो गए थे। वो बिल्कुल गलत है। रोहित कंसल साहब को मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर एक पहली रियासत है जिसने यहाँ पर लैंड टू टिलर यानी काश्तकार को जमीन मिलनी चाहिए। हमारे जो लॉज जितने भी रहे हैं बहुत ही इमेंसिपेटेड रहे हैं, बहुत ही पीपल फ्रेंडली रहे हैं, और जो भी किया है लोगों से पूछ के किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू कश्मीर पे ऊपर ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियाद के वजूद के खिलाफ हैं, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।